नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी कक्षा 11 की अनिवार्य हिंदी की क्लास में हम पढ़ रहे हैं प्रेमचंद जी की कहानी नमक का दारोगा। आइए शुरू करते हैं हम आगे। हमने पढ़ा था अब तक कि पंडित अलोपी दीन नमक ले जाते हुए पकड़े जाते हैं वंशीधर के द्वारा, रिश्वत देने का प्रयास करते हैं किंतु असफल होते हैं, और प्रेमचंद जी अपने हवलदार को उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दे देते हैं और पंडित अलोपी दीन ऐसा देख करके मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। अब आगे, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। देखिए बहुत सुंदर बात कही है, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। जीभ जागने का आशय समझते हैं आप कि बात जो है वो रातों रात पूरे शहर में फैल गई। सुबह होते ही सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। क्या बात सुनाई देती थी? पंडित अलोपी दीन के विषय में बात हो रही थी सभी लोगों के मुँह से। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था, मतलब कुछ न कुछ अपने अपनी तरफ से कुछ न कुछ बोले जा रहा था। हर कोई निंदा की बौछारें हो रही थी, यानी कि बहुत अधिक निंदा की जा रही थी उनकी। किस प्रकार से निंदा हो रही थी देखो, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। मानो पंडित अलोपी दीन के अलावा मानो इस संसार में कोई और पाप हो ही नहीं रहा हो। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, देखो कितने सुंदर उदाहरण दिए हैं लेखक ने। मानो संसार से पापी का पाप कट गया, यानी कि प्रत्येक अपराधी मानो अपना अपराध भूल गया हो, मानो वो कभी अपराध करता ही ना हो, मानो पंडित अलोपी दीन ही एकमात्र ऐसे अपराधी रह गए हो जिन्होंने ऐसा गलत कार्य किया हो। इस प्रकार हर गलत कार्य करने वाला व्यक्ति भी बिल्कुल बढ़ चढ़ करके पंडित अलोपी दीन के इस व्यवहार की निंदा कर रहा था। तो पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, यानी कि पानी कम और दूध अधिक। कल्पित रोज नामचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, कल्पित रोज नामचे अर्थात झूठे रिकॉर्ड भरने वाले जो अधिकारी लोग हैं। रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, ये सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे, यानी कि सब हाँ में हाँ मिला रहे थे और एक दूसरे से बढ़ चढ़ करके पंडित अलोपी दीन के विषय में बातें कर रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित अलोपी दीन अभियुक्त यानी कि अपराधी बन करके कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, देखें पंडित अलोपी दीन का रेखा चित्र और उसकी मानसिकता, उसकी हृदय की भावनाएं, सब कुछ का बहुत सुंदर तरीके से वर्णन मुंशी प्रेमचंद जी ने किया है। हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में ग्लानि, हृदय में क्या है, ग्लानी है, पश्चाताप है, प्रायश्चित है, और क्षोभ भरे, क्षोभ देखें, क्षोभ शब्द जो है वो दो भावों से मिलकर के एक भाव बनता है, क्षोभ, क्रोध और दुख, दोनों का मिश्रित भाव होता है क्षोभ जिसे कहते हैं। तो क्रोध और दुख मिश्रित, यानी कि क्षोभ भरे, लज्जा से गर्दन झुकाए हुए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होंगी, व्यग्र यानी बेचैन, उत्सुक नहीं होती होंगी मेले देखने के लिए, जितनी शहरवासियों की आंखें इतनी बेचैन इस समय पंडित अलोपी दीन का यह दृश्य, उनका यह रूप देखने के लिए हो रही थी। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा। लोग घरों पर, छतों में, छज्जों पर, दीवारों में, दरवाज़ों पर, खिड़कियों में, जहाँ देखो वहाँ पर लोगों को जहाँ जगह मिली खड़े होकर के हर कोई पंडित अलोपी दीन की यह स्थिति देख रहा था। किंतु अदालत में पहुँचने की देर थी अर्थात रिश्वत देते पकड़े गए और रिश्वत देकर छूट गए। तो देखो अदालत में पहुँचने की देर थी अर्थात सारे लोग, सारे अधिकारी उनकी तरह, वंशीधर की तरह ईमानदार नहीं, अपने पेशे के प्रति वफादार नहीं, अपने फर्ज के प्रति इस प्रकार नहीं, सजग नहीं। तो देखें पंडित अलोपी दीन इस अगाध वन के सिंह थे। अगाध वन यानी कि इस प्रशासन
प्रशासनिक विभाग के, या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हर वर्ग में जहाँ देखो पंडित अलोपी दीन के एहसान थे सभी लोगों पर और सभी लोग उनके सामने झुकते थे। तो देखिए अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक और अर्दली चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। बिना माल के गुलाम अर्थात उनको कुछ देना तक नहीं पड़ता था और वे उनकी गुलामी करते थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े सभी लोग विस्मित हो रहे थे, सबको आश्चर्य हो रहा था। किस लिए आश्चर्य हो रहा था? देखो इसलिए नहीं कि अलोपी दीन ने ये क्यों कर्म किया। देखो कितनी अजब बात है कि लोगों को आश्चर्य इस बात का नहीं था कि पंडित अलोपी दीन ने ये कार्य क्यों किया, बल्कि उन लोगों को आश्चर्य और हैरानी इसलिए थी कि कानून के पंजे में कैसे आए। यानी वो तो चलते फिरते आदमी, मतलब चलते फिरते पुर्जे यानी बड़ी हस्ती है वो, फिर कानून के हाथ में कैसे आए, पंजे में कैसे आए, इनकी कानून के शिकंजे में कैसे उलझे वो। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन, यानी जिसको साधा नहीं जा सकता लेकिन उसको भी अपने धन के द्वारा साधने वाले और अनन्य वाचालता, यानी कि वे ऐसे वक्ता हैं कि अपनी वाणी के जाल में किसी को भी उलझा सकते हैं पंडित अलोपी दीन, वह क्यों कानून के पंजे में आए। यानी कि उनके पास इतना धन है और वाणी पर भी उनका पूर्ण अधिकार है, किंतु फिर भी वे कानून के शिकंजे में कैसे आए, इस बात की हैरानी लोगों को हो रही थी। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था क्योंकि इस समय वो हिरासत में थे। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त यानी लिए हेतु वकीलों की एक सेना तैयार की गई। एक वकील नहीं, दो वकील नहीं, पूरी फौज तैयार कर दी गई वकीलों की, क्योंकि धन के धनी थे अलोपी दीन। और न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया, युद्ध होने लगा। वंशीधर चुपचाप खड़े थे, उनके पास देखें आप ध्यान दें, उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था और न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। यानी कि उनका बल उनका सत्य था, उनकी सच्चाई उनकी ताकत थी, और सत्य बोलना स्पष्ट भाषण के अलावा उनके पास कोई शस्त्र हथियार नहीं था। उनके पास गवाह थे किंतु लोभ से डावाडोल। देखो उनके पास गवाह तो थे, उनके सारे जो हवलदार हैं वो सब खड़े थे, वो देख ही रहे थे, किंतु वे लोभ से डिगने वाले, लालच में रिश्वत स्वीकार कर लेने वाले थे सब। तो गवाह थे किंतु वो भी लोभ से डावाडोल। तो उनके पास केवल उनका सत्य और केवल उनका स्पष्ट भाषण था, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खींचा हुआ दिख पड़ता था। यानी कि उन्हें लगता था कि उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। वह न्याय का दरबार था, उन्हें ऐसा क्यों लग रहा था? क्योंकि वो न्याय का दरबार था परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। देखें न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार पर लेखक का बहुत अच्छा कटाक्ष है कि कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? क्योंकि जहाँ पक्षपात होता है वहाँ न्याय तो हरगिज नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की उम्मीद भी नहीं की जा सकती, जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा, अपने फैसले में लिखा, पंडित अलोपी दीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक है। देखें आप दुर्भाग्य देखें, विडंबना देखें, कैसा निर्णय सुनाया है मजिस्ट्रेट ने अपना, निर्मूल यानी निराधार है और भ्रम के दायरे में आते हैं, शक के दायरे में आते हैं। वह एक बड़े भारी आदमी है, ये बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यानी कि वो तो एक ऐसे व्यक्ति है जिनके बारे में हम ये सोच भी नहीं सकते कि थोड़े से फ़ायदे के लिए उन्होंने ऐसा कृत्य किया होगा।
यद्यपि नमक के दारोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन ये बड़े खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। देखें आप, देखें आपने वो भी देखा था कि गलती किसकी थी, किस प्रकार नमक के ढेले चुरा करके ले जा रहा था वो पंडित लोपीदीन, और किस प्रकार रिश्वत देने का प्रयास भी कर रहा था। और अब देखें यहाँ पे निर्णय में किसको क्या ठहराया जा रहा है कि उसकी उद्दंडता की वजह से, उद्दंडता यानी कि उसकी बेवकूफ़ी, उसकी बदतमीजी की वजह से, विचारहीनता के कारण यानी कि बिना सोचे समझे कदम उठाने के कारण एक भले मानुष यानी कि लोपीदीन को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम से सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक से मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। यानी कि जो कार्य उसने किया ही नहीं, जो अपराध उसने किया ही नहीं, उसका आरोप उसके सिर पर आ पड़ा कि वह नमक हलाली करता है, जबकि उसने ऐसा नहीं किया। हाँ, उसकी विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए, ये था फैसला। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े, प्रसन्न हुए सभी। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले, बड़े प्रसन्न थे। स्वजन बांधवों ने रुपयों की लूट की, स्वजन यानी कि उनके अपने भाई बंधुओं ने रुपयों की लूट की यानी पैसे बरसाए। पंडित अलोपीदीन के मुक्त होने पर उदारता का सागर उमड़ पड़ा, यानी कि देखो उदारता दिखाने लगे सभी, बहुत सारे पैसे बरसाए हैं। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी, जो उदारता का सागर उमड़ा था उसकी लहरों ने यानी कि उसके प्रभाव से अदालत की नींव हिल गई। क्यों नींव हिल गई? क्योंकि जो फैसला था वो बिल्कुल गलत फैसला लिया गया था, बिल्कुल गलत सुनवाई की गई थी। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग्य बाणों की वर्षा होने लगी। देखो लोगों को, लोग तो वक्त के साथ बदल जाते हैं, परिस्थितियों के साथ बदल जाते हैं। थोड़ी देर पहले पंडित अलोपीदीन की निंदा कर रहे थे, और अब जब न्याय पंडित अलोपीदीन के पक्ष में हो जाता है तो सभी वंशीधर पर व्यंग्य बाण करने लगे। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। गर्वाग्नि यानी कि उनका गर्व और अधिक बढ़ रहा था पंडित मुंशी वंशीधर का। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते। संभव है कि यदि वे इस फैसले में जीत जाते, इस मुकदमे में, तो इतने गर्व से नहीं चलते जितना गर्व से, जितना फक्र से, जितना अकड़ से वह अभी चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने गलत का साथ नहीं दिया। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ, वह क्या? न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और ढीले चौंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं। उसे लगा कि वही एक ऐसा व्यक्ति है जिसने गलत का साथ नहीं दिया, और यहाँ पर सब लोग जो हैं वो गलत के साथ खड़े हैं, तो इनमें से कोई भी सच्चे आदर के पात्र है ही नहीं। ऐसा उसको अनुभव हुआ आज इस निर्णय से। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था। धन कौन? पंडित अलोपीदीन। उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था, यानी कि उसकी सजा मिलना जरूरी था उसको। तो देखो क्या हुआ है उनके साथ। कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ गया। मुअत्तली यानी बर्खास्त करने का आदेश मिल गया उन्हें, कार्यपरायणता का दंड मिला। देखो ये व्यंग्यात्मक भाषा है लेखक की कि देखें वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। अब देखो कीमत चुकानी पड़ रही थी उसे, यानी उसने सच का साथ दिया। धन से बैर मोल लिया यानी कि उसने सच का साथ दिया। अब सच का साथ दिया है तो उसकी कीमत चुकानी भी उसके लिए ज़रूरी हो जाती है। एक सप्ताह मुश्किल से बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ गया, यानी कि उनकी नौकरी से उन्हें हटवा दिया गया। अब ये उनको अपनी कार्यपरायणता का यानी अपनी ईमानदारी का, कार्य के प्रति वफादार रहने का दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय, टूटे हुए हृदय से, शोक और खेद से व्यथित, दुख से दुखी व्यथित घर को चले, अपने घर रवाना हुए।
बूढ़े मुंशी जी तो पहले से ही कुड़बुड़ा रहे थे, यानी कि कुछ ना कुछ कह रहे थे वंशीधर को कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक ना सुनी कि कितना समझाया था इसको, लेकिन फिर भी नहीं सुनी। सब मनमानी करता है, नहीं अपने मन की करता है। हम तो कलवार और कसाई के तगादे सहे, बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे, और वहाँ बस वही सूखी तनख्वाह, यानी कि हमने जो कुछ भी किया जीवन में, इन सब के जीवन को सुधारने के लिए, घर को बनाने के लिए हमने कितना कुछ सही गलत सब कुछ किया, और ये है अभी बुढ़ापे में हम भक्त बन करके बैठे हैं, और यहाँ ये जो है इनका बेटा वही सूखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई अहदेदार नहीं थे, इतना बड़ा कोई अहदा भी हमारे पास नहीं था, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया और ईमानदार, और आप ईमानदार बनने चले हैं। काम किया, दिल खोल कर किया, दिल खोल कर करने का मतलब समझते हैं आप, कि रिश्वत भी स्वीकार की और आप ईमानदार बनने चले हैं वंशीधर के लिए। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे, यानी कि घर में अंधेरा और मस्जिद में दिया जलाना, यानी कि स्वयं के जीवन के अभावों को भुला करके परोपकार के कार्य करना। हाँ, खेद ऐसी समझ पर, दुख है ऐसी समझ पर, ऐसा कहते हैं वृद्ध मुंशी जी। पढ़ना लिखना सब अकारत गया, यानी कि बेकार गया। उनको लगता है कि पढ़ना लिखना अकारत गया, यानी कि उसको समझ है ही नहीं कि क्या सही है और क्या गलत है। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुँचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूँ। बहुत देर तक पछता कर हाथ मलते रहे, क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कहीं, और यदि वंशीधर वहाँ से टल ना जाते, यानी वहाँ से हट नहीं जाते, तो अवश्य ही यह क्रोध विकट रूप यानी भयंकर रूप धारण करता। वृद्ध माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और राम सरोवर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई, यानी कि उन्होंने भी बेटे की इस नौकरी को सुनकर के उन्होंने भी कुछ यात्रा का सोचा था, किंतु अब वो सारी जो कामनाएं की थी उन्होंने, वो सारी मिट्टी में मिल गई, यानी कि अब बेटे की नौकरी चली गई है तो ये यात्राएं जो है वो नहीं हो पाएगी। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह से बात भी नहीं की, यानी कि वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, उसका मूल्य इस प्रकार से चुकाना पड़ रहा उसे। लेकिन फिर देखें, आखिर सत्य की जीत होती है। ईमानदार परेशान होता है किंतु पराजित कभी नहीं होता। तो देखें यहाँ भी क्या होता है। इस प्रकार एक सप्ताह बीत गया, संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछहिए यानी पश्चिमी बेलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींगों पर पीतल से सींगें जो थी उनकी पीतल से जड़ी हुई, यानी कि पंडित अलोपी दीन पधार रहे हैं अपने सारे ठाट बाट और वैभव के साथ। कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ बिल्कुल साथ में थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े, स्वागत करने के लिए आए, देखा तो पंडित अलोपी दीन है। झुककर दंडवत यानी साक्षात साष्टांग प्रणाम किया और लल्लो चप्पो की बातें करने लगी। लल्लो चप्पो की यानी कि चापलूसी करने लगे। ये वृद्ध मुंशी जी, ये देखो उन वंशीधर के पिता जिन्होंने पंडित अलोपी दीन की ढेर सारी रिश्वत को भी स्वीकार नहीं किया था, नौकरी से हटना तक स्वीकार कर लिया था, किंतु उनके पिताजी देखो जब पंडित अलोपी दीन उनके घर आते हैं तो लल्लो चप्पो की बातें करते हैं करने लगते हैं, यानी कि बिल्कुल चापलूसी भरी उसकी बातें कर रहे हैं। और देखो क्या कहते हैं, हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपकी चरण इस द्वार पर आए, यानी कि आपकी चरण हमारे द्वार पर आए तो हमारा भाग्य उदय हो गया, हमारा भाग्य जग गया। आप हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कौन सा मुंह दिखावे। देखो मुंह कौन सा दिखावे, यानी कि शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं वृद्ध मुंशी जी। मुंह में तो कालिख लगी हुई है। कैसी कालिख, कि बेटे ने आपके साथ ऐसा कार्य किया। किंतु क्या करें, लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता, यानी कि मेरा बेटा ही कपूत है, यदि ऐसा नहीं होता तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखें पर ऐसी संतान ना दे। देखो
अलोपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा ना कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ, ऐसी संतान जो आपके सामने आपके साथ ऐसा कृत्य किया, मैं उसे और क्या कहूँ। तो अलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, बड़ी ममता भरे स्वर में कहा, कुल तिलक, कुल का तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्ज्वल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। यानी कि पंडित अलोपीदीन ने मुंशी वंशीधर की उनके जो गुण थे, उनके जो लक्षण थे, उनकी जो महानता थी, उनकी जो ईमानदारी थी, उनकी जो सच्चाई थी, उसके प्रति नतमस्तक वे हो गए थे और उनके चरित्र के इन गुणों से वे पराजित हो गए थे। मानो पंडित वंशीधर ने अपने कृत्यों से अलोपीदीन को मानो जीत लिया हो। ठीक है, इसके आगे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।